कभी भी आप लोग जब भी न्यूज़पेपर खोलते होंगे या आपके टीवी या सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते होंगे आप लोग, तो आपको देखने को मिलता होगा कि आज इसने सुसाइड किया है, आज इसने आत्महत्या की है, आज किसानों ने आत्महत्या की है, या फिर आप देखते हैं कोई स्टूडेंट आत्महत्या कर रहा होता है, कोई बिजनेसमैन आत्महत्या कर लेता है, और कई आप देखते हैं ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है वही आत्महत्या कर रहा है। हर क्षेत्र में एक तरह से आप कहिए कि मानसिक तनाव फैला हुआ है, कोई भी हो, आप हो या हम हो, कोई भी। कई लोग कहते हैं कि वो ऐसा कोई मशीन होनी चाहिए जो हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकें। याद रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि अपने काम को किसी, जैसे आप सोचिए कि कोई काम है जो आपको सबसे ज्यादा झकझोरता है, या जब अंदर से आपको एक तरह से आप कहिए कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, उससे हटाकर आप अपने मन को दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। आप अगर एक ही बात को सोचने में लग जाते हैं तो उसे आप लोग, ऐसा नहीं है कि उसको सोचना बंद कर दें, नहीं, आप उससे दूसरी बात को या दूसरे काम पर उस अपने मन को लगा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। मन को कंट्रोल करना ना तो किसी के बस की बात है और ना ही कोई कर पाया है, ठीक है? बस इतना होता है जरूर कि अपने मन को एक से दूसरी जगह लगा देना, ठीक है? क्योंकि आप जान रहे हैं, मन को कंट्रोल करना यानी कि हम अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल कर लें, और एक तभी हो सकता है जब हमारे अंदर की सांसें खत्म हो जाए। हम सोचना तभी तो बंद कर देंगे बिल्कुल जब हम मतलब चले जाए, चल बसे हो। तो अभी कुछ समय पहले मतलब मैंने देखा, अभी डेली आप लोग एक न्यूज़पेपर खोलिए, उसमें दो चार केस आपको मिल ही जाएंगे सुसाइड वाले, यानी कि आत्महत्या करने वाले। तो ये आर्टिकल आपका पूरा इसी से संबंधित है। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोई स्टूडेंट होता है, देखिए स्टूडेंटों की प्रॉब्लम आप सभी जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो उनकी जगह कभी अपने आप को रखा करिएगा। और कभी किसान अगर सुसाइड करता है तो अपने आप को उस जगह रखकर सोचा करिएगा कि आप पर क्या बीतेगी उस समय। कई बार देखते हैं आप लव फेलियर हो जाते हैं तब भी आप सोचने लगते हैं, इस तरह के विचार आते हैं हर किसी के मन में, आपके ही मन में नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो अगर वो फ्री बैठा है अपने दिमाग पर काम नहीं कर रहा है तो उसके दिमाग में आते रहते हैं। सबसे पहले तो आखिर ये मानसिक अवसाद क्या होता है? कुछ समय पहले आपने देखा है कि वो एक बॉलीवुड थे, सुल्तान सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या के कारण तो स्पष्ट नहीं थे, परंतु उन परिस्थितियों की खोज की जा रही है जिन्होंने सुशांत सिंह को मानसिक तौर पर विवश कर आत्महत्या करने को मजबूर किया। यह समय कोरोना एपिडेमिक का भी था जब दुनिया के कई लोग अवसादग्रस्त हो गए और कई लोगों ने इस समय भी सुसाइड किया है। ऐसे मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करना लाजमी हो जाता है जिसके वशीभूत होकर इंसान आत्महत्या करने की सोचने लगता है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें अगर हम लोग, क्या होता है आखिर? सब लोग बोल देते हैं इसका दिमाग खराब हो गया है या पागल कह देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य एक तरह से आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति हो, मुझे लगता है कि आप देखेंगे 70 से 75% लोग इससे मतलब पीड़ित है, क्योंकि उनके दिमाग में आप कोई भी असर आया तो ये मत सोचिए कि उसे प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कि वो दिखा रहा हो आपको। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करूं तो स्वास्थ्य का अर्थ होता है मात्र रोग की अनुपस्थिति, यानी कि स्वास्थ्य आपसे कह दिया जाता है जब भी कोई पूछता है आप स्वस्थ हैं तो आप क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य खराब है, या आप कहते हैं तो आपकी परिस्थिति खराब है। एक तरह से शारीरिक स्वस्थता नहीं होता है, इसे पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित करना अधिक उचित होगा। स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक और सामाजिकता की संपूर्ण स्थिति है। स्वास्थ्य की देखभाल हेतु मानसिक स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य का आशय भावनात्मक मानसिक या फिर सामाजिक संपन्नता से लिया जाता है। यह मनुष्य के सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित भी करता है। मानसिक विकार में अवसाद दुनिया भर में सबसे बड़ी समस्या है। यह कई सामाजिक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, गरीबी, नशाखोरी आदि को जन्म देती है। एक बात आप याद रखिए, आपने देखा होगा कि कुछ समय से स्टूडेंटों में कुछ ज्यादा ही इस तरह की आत्महत्या की बातें उठती रही है। अभी एमपी में आपने देखा है कि 4-5 बच्चों ने सुसाइड किया, कई जगह, आपने एमपी की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी राज्य में ले लीजिए। तो एक क्या रहता है कि इसमें मतलब आप सोचिए कि जब आप फ्री बैठे हो
तो आपके मन में और कुछ आपको प्रॉब्लम हो तब आपके मन में इस तरह के विचार आने लगते हैं। मानसिक रोग के विभिन्न प्रकारों के तहत अल्जाइमर रोग, डीमेंशिया रोग, चिंता, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिप्रेशन, नशे की लत, कमजोर याददाश्त, भूलने की बीमारी, भ्रम आदि आते हैं। इसके लक्षण भावनाओं, विचारों और व्यवहार को विभाजित करने की क्षमता भी रखते हैं। उदास महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी, दोस्तों और अन्य गतिविधियों से अलग होना, थकान और निद्रा की समस्या आदि इसके लक्षण को के अंतर्गत आते हैं। अगर किस तरह की आपको किसी भी आपके परिवार का मेंबर है, आपका दोस्त है या कोई भी आपका पड़ोसी, अगर आपको दिखता है कि वो अलग अलग पड़ा हुआ है या वो उसके उदास महसूस रहता है, तो आप उससे बात करते रहा करिएगा, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एक तरह से उपाय कहा जाए तो यही है। अगर परिवार में आपको लगता है कि कोई आपसे कट रहा है और वो इस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं उसमें, तो उसे सबसे ज्यादा परिवार से जोड़ने का प्रयास किया करिएगा, समझ रहे हैं? तो आप देखिए, और यही मुझे लगता है कि बेहतर ट्रीटमेंट से यही एक सरल सा ट्रीटमेंट है, और मुझे लगता है कि इसमें आदमी ही खुश भी हो जाता है, वो इस तरह के विचार भी हट जाते हैं। अब चलिए मान लीजिए किसी ने कोई भी सुसाइड करने के वक्त है, अगर उस समय आप उसकी मदद के लिए आप उससे बातें कर लेंगे तो हो सकता है कि वो परिस्थिति बदल जाए, क्या कह सकते हैं। और भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, भारत में अगर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 7.5% आबादी किसी ना किसी मानसिक समस्या से जूझ रही है। विश्व में मानसिक और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की समस्या से जूझ रहे लोगों में भारत का करीब 15% हिस्सा शामिल है। याद रखिए, सरकारी आंकड़े आपको यूज करना है आंसर में। अगर आंसर राइटिंग करते हैं आप कहीं भी, स्टेट PCS हो या UPSC हो, तब। लेकिन अगर आप हकीकत में देखेंगे तो इससे कई गुना आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप अपने आसपास हर किसी को, आप अपने आप को देखिए, आप भी, मुझे लगता है कि हर किसी के दिमाग में मानसिक एक तरह से स्वास्थ्य इस समय बिगड़ा हुआ है, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी बन चुकी है इस समय। साथ ही में भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को फंड का आवंटन भी अन्य बीमारियों की तुलना में बहुत कम है। यानी कि इससे निपटने के लिए जो फंड बनाया गया है उसे एक तरह से आप कहिए कि उसमें कम ही पैसा दिया जाता है। भारत में हर 10 लाख आबादी पर केवल 3 मनोचिकित्सक हैं। कॉमनवेल्थ देशों के नियम के मुताबिक हर 1 लाख की आबादी पर कम से कम 5 से 6 मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक होने चाहिए। WHO के अनुसार, अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 तक भारत की लगभग 20% आबादी मानसिक रोग से पीड़ित हो जाएगी। मानसिक रोगियों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद अब भारत में इसे एक रोग के रूप में पहचान नहीं मिल पाई है। इसे यहाँ आज भी काल्पनिक माना जाता है और मानसिक स्वास्थ्य की पूर्णता उपेक्षा की जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि शारीरिक रोगों की तरह मानसिक रोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2020 तक दुनिया भर में अवसाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या होगी। आप खुद सोचिए कि आप अगर स्वस्थ नहीं रहते हैं, आप एक तरह से चिंता में डूबे रहते हैं, आप उदास रहते हैं, तो ये इसका प्रभाव आपके शरीर पर भी देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं? और इसका मुझे लगता है कि डॉक्टरों से अच्छा है कि इसमें आप, हकीकत यही है कि आप या तो परिवार के साथ, परिवार के मेंबर उसे समझने की कोशिश करें। कहते हैं ना कि तब तक आदमी की पहचान नहीं कर पाता है आदमी जब तक वो धरती से चल ना सके। कहने का मतलब ये है कि अगर जब तक वो जिंदा है तब तक उसे या तो पागल कह दिया जाता है या उसे मतलब अवॉइड किया जाता है, कि मतलब उस पर नजर ही नहीं डाली जाती है कि वो प्रॉब्लम में है, उसकी प्रॉब्लम को समझा जाए। और याद रखिए, आदमी तभी इस तरह के कदम उठाता है, कोई खुशी से नहीं उठाता है जब उसे लगने लगे कि हम इस तरह की, कोई हमें समझने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा आपने देखा होगा अभी कुछ, या तो नौकरी से सबसे ज्यादा या किसी बिजनेस से में फेल होने के कारण, या फिर आप देखेंगे कोई भी लक फेलियर आपका है तो आपको समझने वाला उस समय कोई नहीं रहता है। अगर आपको समझने वाला रहे तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस तरह के कदम उसके बारे में सोच सकते हैं। अगर कोई आपसे कह दे कि हाँ हमें, मैं तुम साथ में आपके, तो भली वो ना हो लेकिन एक ताकत आ जाती है जरूर।
समझ रहे हैं? वो कहते हैं ना कि समस्या से अकेले ही इंसान लड़ सकता है, लेकिन बस उसे तसल्ली देने वाला कोई मिलता है। और याद रखिए, आपकी वजह से अगर कोई इस तरह के कदम उठाता है तो मुझे लगता है कि आपसे आपको अपने आप पर धिक्कार कर लेना चाहिए। आपसे बुरा दुनिया में कोई इंसान नहीं, अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी खत्म होती है तो। इसलिए यही है बेहतर कि घमंड को छोड़िए और अपने जो भी रिश्ते हैं नाते हैं उन्हें निभाते जाइए। कभी आप झुक जाया करिएगा, कभी वो झुक जाए, इस तरह से चलते रहने दीजिए। ठीक है, आंकड़ों के अनुसार भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। आप समझ रहे हैं, 15 से 29 वर्ष, इसमें आप समझिए कोई बीमारी नहीं लगती है, इसमें यही कारण रहते हैं मानसिक तनाव, इसी समय में सब कुछ घटनाएं घटती हैं। 2011 की अगर हम जनगणना के अनुसार देखें आंकड़े, तो भारत में तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों में बौद्धिक अक्षमता और तकरीबन 7,22,826 लोगों में मनोसामाजिक विकलांगता मौजूद है। इसके बावजूद भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर किए जाने वाले व्यय कुल सरकारी स्वास्थ्य व्यय का मात्र 1.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार मानसिक रोगों से ग्रस्त करीब 78.62% लोग बेरोजगार हैं। आप समझ रहे हैं, आप लोग बेरोजगारी भी एक प्रॉब्लम है इसकी। आप खुद सोचिए कि आपके पास इनकम नहीं है। अभी सबसे ज्यादा लॉकडाउन में देखा गया है इस तरह के केसों को। क्यों देखा गया? जब आपकी इनकम बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप खुद सोच के देखिए। भारत में मानसिक रूप से बीमार लोगों के पास या तो देखभाल की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और यदि सुविधाएं हैं तो भी उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। इसमें मैं बता रहा हूं कि डॉक्टरों की मदद से बेहतर है आप अपने परिवार की मदद लीजिए इसमें, मैं इतना ही कहूंगा। और परिवार से भी यही है गुजारिश एक तरह से कि आप इनकी मदद कीजिए। मुझे लगता है तभी आप निकल सकते हैं उससे। मुझे नहीं लगता है कि अगर डॉक्टर कितने दिन आपको ट्रीटमेंट दे और क्या क्या दे, आपकी सोच को कोई नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो आप इतना काम कर सकते हैं मुझे लगता है। वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, विश्व स्तर पर अगर मानसिक स्वास्थ्य की का पर चर्चा करें तो हम पाते हैं कि मानसिक विकार विश्व में रुग्ण स्वास्थ्य और विकलांगता उत्पन्न करने वाला प्रमुख कारण है। WHO के अनुसार 450 मिलियन लोग वैश्विक स्तर पर मानसिक विकार से पीड़ित हैं। विश्व में 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जीवन के किसी भी मोड़ पर मानसिक विकार या तंत्रिका संबंधी विकारों से प्रभावित है। आप समझ रहे हैं, विश्व में 4 में से 1। ये तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकारी आंकड़े हैं, और आप सभी जानते हैं कि सरकारी आंकड़े और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है आपको। लेकिन आपको आंसर राइटिंग में यही सरकारी आंकड़े हमेशा यूज करना है। देखिए, याद रखिए, कुछ भी धरती पर कुछ भी हो, कितनी भी बुरी स्थिति हो, लेकिन जो सरकार आंकड़े देती है वही आप लोग आंसर राइटिंग में आंकड़े इकट्ठे किया करिएगा, उसी वही शामिल किया करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके हिसाब से नहीं चलते हैं न्यूज, जो भी आपका UPSC है या स्टेट PCS है, वो अपने हिसाब या सरकारी आंकड़ों को देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित 10 से 19 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों की वैश्विक रोग भार में 16% की, यानी कि 16% की हिस्सेदारी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ ने विश्व के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को यथार्थवादी बनाने के लिए 1992 से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की स्थापना की थी। अब बात करूं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की, अगर बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कारकों में समाज और परिवार की भी अहम भूमिका होती है। और मैं तो कहता हूं, समाज और परिवार अगर समझने की कोशिश करने लगे तो हम बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कई कारण होते हैं, जिनमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कई बार आर्थिक और नैतिक पहलू इन कारकों के आविर्भाव में उत्तरदायी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। अनुवांशिकता, गर्भावस्था संबंधी पहलू,
मानसिक मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, मनोवैज्ञानिक कारण, पारिवारिक विवाद, मानसिक आघात, सामाजिक कारण, ये तो प्रमुख है। समझ रहे आप लोग? बेरोजगारी भी जोड़ सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य संबंध में सहयोग हेतु राष्ट्रीय गतिविधियां क्या रही हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, भारत सरकार ने जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा सबके लिए न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की। कब? 1982 में। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल की ओर अग्रसर होना है। इस कार्यक्रम के मुख्यतः तीन घटक हैं: मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज, पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम। 10 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई और भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 लाया गया। इसने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 का स्थान लिया है। पहले ये 87 वाला चलता था, लेकिन 2017 में नए आने के बाद इसका स्थान ले लिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसके अंतर्गत किशोरावस्था प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम वयस्क से संबंधित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। बात करें मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के बारे में। वर्ष 2017 में लागू किए गए इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मानसिक रोगों से ग्रसित लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा और सेवाएं प्रदान करना है। साथ ही यह अधिनियम मानसिक रोगियों की गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। परिभाषा की बात करें तो इस अधिनियम के अनुसार मानसिक रोग से अभिप्राय विचार, मनोदशा, अनुभूति, याददाश्त आदि से संबंधित विकारों से होता है, जो हमारे जीवन के सामान्य कार्यों से जैसे निर्णय लेने, यथार्थ की पहचान करने आदि में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के अधिकारों की बात करें तो यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार है। अधिनियम में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों सभी लोगों को मुफ्त इलाज का भी अधिकार दिया गया इस अधिनियम के तहत। ठीक है, अधिनियम के अनुसार मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार होगा और लिंग, धर्म, संस्कृति, जाति, सामाजिक या फिर राजनीतिक मान्यताओं, वर्ग एवं या फिर विकलांगता सहित किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा इनके साथ। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को अपने मानसिक स्वास्थ्य और उपचार और शारीरिक स्वास्थ्य सेवा के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने की का अधिकार होगा। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की सहमति के बिना उससे संबंधित तस्वीर या कोई अन्य जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, क्योंकि आप देखते हैं कई बार इस तरह की भी परिस्थिति बन जाती है, तब ये सुसाइड के मामले बढ़ जाते हैं। अग्रिम निर्देश की बात करें तो मानसिक रोगों से ग्रसित व्यक्ति को यह बताते हुए अग्रिम निर्देश देने का अधिकार होगा कि उसकी बीमारी का इलाज किस प्रक्रिया प्रकार किया जाएगा और किस प्रकार नहीं, और इस संदर्भ में उसका नामित प्रतिनिधि कौन होगा। आत्महत्या अपराध नहीं है। आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को मानसिक बीमार से पीड़ित माना जाएगा, उसे भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम ने भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में संशोधन किया है, जो पहले आत्महत्या को अपराध मानती थी। पुराने अधिनियम में परिवर्तन के उपरांत आए नए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 को मील का पत्थर कहा जा सकता है, परंतु इसमें भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रश्नों का जवाब नहीं है। कौन कौन से? नए कानून में कुछ मानसिक बीमारियों की परिभाषा से संबंधित विवाद के कारण यह कानून कई समस्याओं को अधूरा छोड़ देता है। पुराने एक्ट में किए गए बदलाव अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन द्वारा तय मानकों के अनुरूप नहीं है। गौरतलब है कि इन मानकों को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है और इसे DSH5 मैनुअल के नाम से भी जाना जाता है। नए कानून में एडवांस्ड डायरेक्टिव का प्रावधान है, जो मरीजों को अपने प्रतिनिधि के माध्यम से इलाज के तरीके चुनने की आजादी देता है, लेकिन भारत में पागलपन संबंधी जो अवधारणा है उनके कारण यहां मरीज अपनी मानसिक अवस्था को लेकर खुद ही इनकार कर देते हैं। तब ऐसी स्थिति में कोई भी एडवांस डायरेक्टिव उनके खिलाफ हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कह देते ये पागल है ये तो, और उसका इलाज नहीं करवाया जाता है। देखिए वो भी परिस्थितियों के कारण ही
उसे इस तरह की समस्याओं ने घेरा होता है, आप उसे भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है आप चाहें तो। ये आपके आंकड़े हैं मध्य प्रदेश की, देख लीजिए 8.8, वेस्ट बंगाल 9.9, ये सभी दिए हमने, ठीक है। 2018 के दौरान आत्महत्या से संबंधित राज्यों के अनुशासित प्रदेशों की ये आंकड़े हैं। कुछ समय पहले हम लोगों ने भी बात की थी इसके बारे में, उत्तर प्रदेश 3.6, छत्तीसगढ़ 5.2। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में WHO की क्या भूमिका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। WHO मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने, उसे बढ़ावा देने की दिशा में विभिन्न देशों की सरकारों को समर्थन और सहयोग करता है। WHO द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन की दिशा में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कई साक्ष्यों का मूल्यांकन किया गया है। WHO इस जानकारी को सरकारों को प्रसारित करने एवं नीतियों और योजनाओं के संबंध में प्रभावी रणनीतियों के एकीकरण की दिशा में कार्य कर रहा है। 2013 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2013 से 2020 के लिए व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना द्वारा WHO के सभी सदस्य देशों ने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने और वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। इस कार्य योजना का संपूर्ण लक्ष्य मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना, मानसिक विकारों को रोकना, देखभाल प्रदान करना, रिकवरी में वृद्धि करना, मानसिक अधिकारों को बढ़ावा देना और मानसिक विकार वाले व्यक्तियों के संबंध में मृत्यु दर, रुग्णता और विकलांगता में कमी लाना, यह मुख्यतः चार उद्देश्य पर केंद्रित है। कौन कौन से? मानसिक स्वास्थ्य हेतु प्रभावी नेतृत्व और शासन को मजबूत करना, समुदाय आधारित व्यवस्थाओं में व्यापक एकीकृत और उत्तरदायी मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल सेवाएं प्रदान करना, मानसिक स्वास्थ्य के संवर्धन और मानसिक विकारों की रोकथाम हेतु रणनीतियों को लागू करना, मानसिक स्वास्थ्य हेतु सूचना प्रणाली और साक्ष्यों एवं शोध तंत्र को मजबूती प्रदान करना। COVID-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक कदम की अगर बात करें, क्योंकि इस समय आपने देखा है कि कुछ ज्यादा ही इस तरह के देखे गए हैं, समझ रहे हैं? केस पहली नजर में COVID-19 यानी कि कोरोना महामारी की एक शारीरिक स्वास्थ्य संकट के समान प्रतीत होता है, परंतु यह अगर सही कदम ना उठाया गया तो यह एक प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर कर सामने आएगा। समाज की गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का होना जरूरी है। COVID-19 पैंडेमिक से रिकवरी प्राप्त करने और उसका मुकाबला करने हेतु यह प्रत्येक देश की जिम्मेदारी बनती है कि वह मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त हेतु आवश्यक कदम उठाए, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों में कमी लाने हेतु इस महामारी के संबंध में की गई 3 सिफारिशों पर विचार करना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य के संवर्धन, संरक्षण, देखभाल हेतु एक पूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। आपातकालीन मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक सहयोग की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। भविष्य हेतु मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के निर्माण द्वारा COVID-19 से रिकवरी के लिए सहयोग प्रदान करना। एक बात और आपको यहाँ बताऊंगा, आप मोबाइल में कभी यूज किया करेगा, आप परिवार के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम गुजारा करिएगा, क्योंकि अभी परिस्थिति ये देखी जा रही है कि परिवार के साथ तो लोग कम टाइम गुजार रहे हैं लेकिन मोबाइल में कुछ ज्यादा ही। एक मोबाइल भी एक तनावग्रस्त स्थिति पैदा कर देता है, इससे आपके दिमाग पर काफी जोर भी पड़ता है। COVID-19 के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों से व्यक्तियों एवं समाज को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने हेतु जरूरी है कि उपयुक्त सिफारिशों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और उसे अमल में लाया जाए। आगे की राह की बात करूं अगर हम लोग, तो वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में देश में मानसिक स्वास्थ्य में से संबंधित समस्याओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में आवश्यक है कि इससे निपटने के लिए उपयुक्त क्षमताओं का विकास किया जाए और संसाधनों में वृद्धि की जाए। यदि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ऐसे मानसिक रोगग्रस्त लोगों की समस्याओं को संवेदनशील ढंग से उठाए तो निश्चित ही समाज का उपेक्षावादी रवैया कमजोर होगा और संवेदनशीलता में वृद्धि देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य देखभाल राज्य सूची का विषय है, इसलिए इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य और केंद्र उचित समन्वय की आवश्यकता है। याद रखिए राज्य सूची का मतलब यह होता है कि 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, याद मतलब माफ करिए संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची।
यानी कि संघ सूची पर आपका केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार, और संवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में गतिरोध है यानी कि विरोध है तो आपका केंद्र सरकार का कानून प्रभावी रहेगा। बजटीय आवंटन की चिंताजनक स्थिति भी मानसिक स्वास्थ्य सुधारों की एक बड़ी बाधा है। ऐसे में आवश्यक है आवश्यकता इस बात की कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान और अन्य एजेंसियों द्वारा मानसिक समस्याओं से ग्रसित लोगों की पहचान करती हुई मानसिक रोगों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील तबके के लिए एक निश्चित आय की व्यवस्था की जाए। तो ये पूरी कहानी थी, अच्छे से रहिए। और खुद भी कम से कम देखिए, अगर आपको लगता है कि जैसी किसी के सामने परिस्थिति बनी हुई है तो उससे आप बात करते रहिएगा, उसकी समस्याओं को आप लोग जिस तरह से भी देख सकते हैं देखते रहिए, ठीक है। क्योंकि एक व्यक्ति की अगर जान बचाने में आप कामयाब हुए, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई धर्म हुआ, ठीक है। और आपको सरकारी आंखें हमेशा यूज करना है अगर आंसर राइटिंग आप लोग कर रहे हैं तो, ठीक।